किसान बिल के विरोध में पूरे देश में चल रहे किसान आंदोलन केवल दिल्ली ही नहीं भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में किसान का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। कुछ किसान संगठन ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे लगभग सभी विपक्षी दलों ने समर्थन भी दिया है। सरकार ने जहां इस भारत बंद से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है, वहीं विपक्षी संगठन ने भी भारत बंद को सफल बनाने के लिए कमर कस ली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सुबह से ही बाजार खुले नजर आए एवं दिन भर शांति से खुल रहे थे। भारत बंद पूर्णतः बेअसर रहा। जिले के किसान 11 बजे के बाद निश्चित स्थान पर पहुंचे। प्रशासन को सूचना मिलने पर प्रशासन ने किसान की घेराबंदी कर ली। प्रशासन के समन्वय के तहत किसान झांसी खुजराहो राजमार्ग पर अंबेडकर चौराहे पहुंचे, जहां किसानों ने उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर कार्यक्रम की तिष्ठी की एवं किसान आराम से अपने अपने घरों को रवाना हो गए। विपक्षी दलों ने सड़क पर आकर इन्हें बंद कराने का प्रयास नहीं किया, न ही किसी प्रकार का अनुरोध किया। झांसी में भारत बंद पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। जो ज्ञापन दिया गया किसानों के द्वारा, क्या मुद्दा रहा है इनका? यहाँ पे सभी किसान संगठनों ने यहाँ जो ज्ञापन दिया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके, उसको हमारे यहाँ से, हम यहाँ से जल्द उसको जिले पे और यहाँ से शासन से हम उसको भिजवा देंगे। इंडियन टाइम न्यूज से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।